करने का जज्बा है, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, चाहे वो एज फैक्टर हो या फिर कोई और मजबूरी, कुछ भी आपके आड़े नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भूमि नाम की एनजीओ के एक इवेंट में, जहाँ स्पेशल बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें खूब एंजॉय भी किया। नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से। आज का रविवार एक आम रविवार नहीं है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्हें हम आम भाषा में अनाथ यानी कि ऑर्फन्स कहते हैं, जो कि कुछ कारणवशों से अपने माता पिता से बिछड़ चुके होते हैं। आज भूमि नामक एक स्वयंसेवी संस्था ने इन बच्चों के लिए कई मनोरंजक और रंगमयी कार्यक्रमों का आयोजन किया है। देखते हैं आज इनकी कुछ झलकियाँ। ऐसा है कि हंसराज मॉडल स्कूल की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि स्कूल में कोशिश की जाती है कि बच्चों को समाज सेवा की तरफ, अपने से कम जिन लोगों के पास उपलब्धियां हैं या सहूलतें हैं उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की पीड़ा को पहचानें। हम दिखला रहे हैं कि विलेज में जानवरों का कैसे उन्नति नहीं मिल। हम ये बना रहे हैं कि सिटी के ऊपर बना रहे हैं, हम मतलब हमारी सिटी कैसी है, हम इसके अंदर हम मतलब क्या क्या होता है, ये सब बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी सिटी में क्या क्या होता है, कैसा मतलब हमारा सिटी दिखता है, अच्छा दिखता है, बेकार दिखता है, ये सब दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि विलेज में ये सब होता है और ऐसा होता है। Bhumi is one of India's largest independent youth volunteer non-profit organizations. Our volunteers go and teach children in orphanages, slum and village communities, English, computers, mathematics. And apart from those weekly activities, we also conduct events like Nakshatra. We teach English, we teach computers, mathematics, science. We mentor children of class 10. We conduct an inter-Orphanage talent festival called Nakshatra. नेचर की इसमें हर एक चीज़ दिखाई है जो होनी चाहिए, जैसे कि सनराइज और ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई है इसमें, क्योंकि वो नेचर की सबसे बड़ी बहुत अच्छी वो है, मतलब कि इससे नेचर हमारा अच्छा और स्वच्छ रहता है। ये टॉपिक है मेरा जोकर, तो मैंने इसमें एक क्लाउन बना दिया है और
साइड पे ट्वीटी दिखा दिए और इधर साइड पे स्नेक। कोई भी जो भारत का नागरिक है और जो वो चाहेगा कि समाज के जो अंतिम डाउन टोलरेंस जो व्यक्ति है या बच्चा है उसका उत्थान हो, और उस दिशा में इनका प्रयास, जो भूमि का ये प्रयास है, संस्था का प्रयास, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन मैंने संस्था के लोगों से कहा भी है कि इसका विस्तार, इसका एक्सटेंशन देहाती क्षेत्रों में भी हो, और देहात के जो दूर दूर के जो बच्चे हैं, निसहाय हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उसको उठावे और उसको मुख्य धारा से जोड़े, तभी इसका प्रयास सफल हो पाएगा। ये बच्चे जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, जो उनको दिया गया, एक तरीके से उनके माँ बाप का काम कर रही हैं, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना और हमारी यही मनोकामना है कि इन बच्चों का उत्साह और उमंग इसी प्रकार बना रहे। मैंने आपको बताया ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन टैलेंट खुद आप में होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन जज्बा आपको खुद लाना पड़ेगा। तो जल्दी होती है आपसे फिर मुलाकात। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।